बीजेपी में फिर जाएंगे उधर ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने दे दिया कैसा इशारा। आदित्य ने किसे बता दिया गद्दार। क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी खेला होने वाला है? क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? आखिर आदित्य ठाकरे के बयानों के क्या मायने हैं? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। हर कोई इसके जवाब भी तलाश रहा है। दरअसल हुआ यह है कि महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ी बात कही है। आदित्य ठाकरे ने इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी दो टूक जवाब दिया है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही। साथ ही विपक्षी गठबंधन में पीएम फेस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। आदित्य ठाकरे ने बताया कि जल्दी इसका पता चल जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया था कि क्या उनकी पार्टी फिर से बीजेपी का रुख करेगी। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा, जब तक बीजेपी संविधान के खिलाफ है और तानाशाह है, तब तक बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। बीजेपी पुरानी बीजेपी नहीं है, आडवाणी और वाजपेयी की बीजेपी थी। उन्होंने आगे कहा कि साल 2024 का चुनाव बहुत अलग है। हमने और जनता ने पिछली बार बीजेपी पर भरोसा रखा था, पर कुछ हुआ नहीं। महंगाई कम नहीं हुई और बेरोजगारी बढ़ गई। आदित्य ने कहा कि जो हमारे साथ साल 2019 में नहीं थे, आज वे हमारे साथ हैं। इस बार बीजेपी के साथ कोई नहीं है। इसके साथ साथ आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर भी तीखा हमला बोला और कहा, 40 विधायक गए थे, उन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उनको काम नहीं करने देता था। हिम्मत है तो मेरे सामने आकर ये बात करें। मैं सीएम का नाम सही तरीके से इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो गद्दार हैं, इसलिए मैं उन्हें मेंढे बोलता हूँ। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सिंबल हमारा चोरों के हाथ में गया है, लेकिन अभी हमारे पास मशाल है, हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। परिवार पर अटैक करने पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाहरी लोग हमें नकली कह रहे हैं, हमें नकली संतान कह रहे हैं, परिवार पर इतना अटैक करने की क्या जरूरत है। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो 40 विधायक शिंदे के साथ गए हैं, उनके लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा के लिए अब बंद हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आदित्य ठाकरे आखिर किस बात का पता चल जाने की बात बोल रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे सच में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आदित्य ठाकरे की इन बातों में क्या कुछ छिपा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।